हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को, और ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट 11 है, जिसमें अगेन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ एक एक क्वेश्चन को या वन बाई वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्कृष्ट कैरियर की कामयाबी के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को फीफा स्पेशल अवार्ड 2021 मिला। तो जानते रहिएगा, एक उत्कृष्ट कैरियर की कामयाबी के लिए जिस पुरुष खिलाड़ी को फीफा अवार्ड स्पेशल अवार्ड 2021 मिला है, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर ए में आए हैं, तो यहाँ पे हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊँचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। और इसकी देखिए ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से क्या है 11,000 फीट ऊंचा है ये, जानते रहिएगा। तो देखिए फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। तो जानते रहिएगा, वो केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है आपका लद्दाख। और लद्दाख देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो इसलिए हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लद्दाख में ये जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाइन किया गया है। तो जानते रहिएगा, वेट लिफ्टर जो मीराबाई चानू हैं, इनको जिस राज्य में पुलिस अधीक्षक के रूप में ज्वाइन किया गया है, वो राज्य है आपका मणिपुर। और मणिपुर देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, इनको मणिपुर में जानते हैं पुलिस अधीक्षक के रूप में यहाँ पे इनको ज्वाइन किया गया है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन जो हैं कह रहे किस राज्य में डीएसपी बनी है। तो जानते रहे, बॉक्सर लवलीना जो बोरगोहेन जो हैं, ये डीएसपी बनी है जो कि ये असम की। और असम देखिए आया है ऑप्शन नंबर हमारा ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लवलीना बोरगोहेन जो हैं वो असम की डीएसपी बनाई गई हैं, और ये एक बॉक्सर है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तान पद से जनवरी 2022 में इस्तीफा दे दिया। कह रहे हैं कि वह इस पद पर कितने वक्त तक रहे, इसका मतलब विराट कोहली जो हैं, जो बहुत ही बेहतरीन जो क्रिकेट प्लेयर हैं, कह रहे हैं कि ये अपने कप्तानी के पद पर कितने वर्षों तक रहे। तो जानते रहिएगा, विराट कोहली टेस्ट टीम की कप्तानी के तौर पर यहाँ पे 7 वर्षों तक रहे, और 7 वर्ष दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 से 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो जानते रहिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 से 2023 की मेजबानी जो राज्य करेगा वो राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर 19 एशिया कप 2021 की विजेता टीम कौन है। तो जानते रहिएगा, अंडर 19 एशिया कप 2021 की विजेता जो टीम है वो है इंडिया, और इंडिया दिखाया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे एट्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर का ऑस्कर अवार्ड 2022 किसे मिला है। तो जानते रहिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर का जो ऑस्कर अवार्ड 2022 का मिला है वो मिला है विल स्मिथ को, और विल स्मिथ दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाते हैं हम अपना नाइन्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेस्ट एक्ट्रेस, वहाँ देखिए बेस्ट एक्टर की बात की गई थी, अब यहाँ कह रहे हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड या बेस्ट हीरोइन जो है एक्ट्रेस का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2022 किसे मिला है। तो जानते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड 2022 जो मिला है वो मिला है जेसिका चेस्टन को, और जेसिका चेस्टन दिखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2022 का जो मिला है वो मिला है जेसिका चेस्टन को। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 किसने जीता है। तो जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 का जिसने जीता है वो है कोड़ा, और कोड़ा देखिए फिल्म आई है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 का जिसने जीता है उसका नाम क्या है, कोड़ा।
फिर आ जाएंगे यहाँ पे 11 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 का किसने जीता है। तो जानते रहिएगा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म ऑस्कर 2022 का जो अवार्ड जो जीता है वो जीता है ड्राइव माई कार। और ड्राइव माई कार दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 का जो जीता है वो किसने जीता है, ड्राइव माई कार ये फिल्म ने जीता है। फिर ये आ जाएंगे हमारा 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेस्ट एनिमेटेड, देखिए यहाँ पर कह रहा है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 किसने जीता है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था, इससे पहले कह रहा था कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है, और हमारा जो 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट एनिमेटेड, जो एनिमेशन पर बेस्ड जो मूवीज होती है उसकी बात करें कि बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो है ऑस्कर अवार्ड 2022 किसने जीता है। तो जानते रहिए कि बेस्ट एनिमेटेड फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 जिसने जीता है वो है एनकैंटो, और एनकैंटो दिखाया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा 6 बार ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। तो जानते रहिएगा जिस फिल्म ने सबसे ज़्यादा 6 बार ऑस्कर अवार्ड, और कब जीता है, 2022 की बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा 6 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली 2022 की फिल्म वो कौन सी है। तो जानते रहिएगा वो फिल्म है ड्यून, और ड्यून देखिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में, तो हमारा यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 में देने की घोषणा की है। तो जानते रहिएगा केंद्र सरकार ने कुल जो संख्या है पद्म अवार्ड देने की 2022 में, वो जो संख्या है आपका 128, और 128 दिखे ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है। फिर देखिए आ जाएंगे 15 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण देने की बात की है, घोषणा की है। तो जानते रहिएगा जो केंद्र सरकार है 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड देने की जो घोषणा की है वो संख्या है टोटल 4 लोगों की, और 4 दिखाया है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पे हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है केंद्र सरकार ने 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड देने की घोषणा 4 लोगों के लिए किया गया है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हमारा क्या कह रहा है कि 16 नंबर की केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2022 में देने की बात की है। देखिए सब नाम मिलते जुलते हैं इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण अवार्ड 2022 में जो देने की घोषणा की है वो टोटल की है 17 लोगों के लिए, और 17 दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कितने जो है पद्मश्री अवार्ड 2022 में देने की घोषणा की है। तो जानते हैं कि केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड जो 2022 में देने की घोषणा की है वो टोटल की है 107 लोगों को, और 107 दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में, तो हमारा यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी नाम बहुत ही मिलते जुलते हैं इसलिए बहुत ध्यान से देखें। देखिए इस सब में नाम में अगर आप ध्यान से अगर देखें तो सभी में क्या आया है, इसमें आया है जैसे पद्म विभूषण हो गया, इससे पहले देखिए क्या है, यहाँ आ गया पद्म अवार्ड हो गया, उसके बाद पद्म विभूषण अवार्ड हो गया, उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड हो गया, और यहाँ पे लिखा है पद्मश्री अवार्ड की बात की गई है। अब आ जाते हैं अपने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, और यहाँ पे व्यक्तिगत श्रेणी की बात की गई, स्पेशल किसी व्यक्ति को जो दिया गया है वो किसने जीता है, मतलब सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का किसने जीता है, कौन से व्यक्ति ने जीता है, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है इतना याद रखिएगा। तो जानते रहिएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जिन्होंने जीता है वो है प्रोफेसर विनोद शर्मा, और प्रोफेसर विनोद शर्मा दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आए हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने जीता है वो कौन है, प्रोफेसर विनोद शर्मा। फिर देखिए आ जाएंगे हम 19 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए फिर सेम क्वेश्चन यहाँ हमारा है, कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का संस्था, देखिए यहाँ संस्था, वहाँ व्यक्ति की बात की गई थी और यहाँ संस्था की बात की गई, कौन सी संस्था ने जीता है संस्थागत श्रेणी में। तो जानते रहिएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में जिस संस्था ने जो जीता है वो संस्था है गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान, और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान लिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी में आया है, इसलिए हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 20 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय फिल्म को 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। तो जानते रहिएगा वो भारतीय फिल्म जिसको 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, वो फिल्म है कूंजगल। और कूंजगल देखिए आया है यहाँ ऑप्शन नंबर डी में आया है, इसलिए हमारा यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको कि कूंजगल, जो कूंजगल है भारतीय फिल्म है, इसको 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। फिर एक आ जाएंगे यहाँ पे 21 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश की कैरोलिना बिलास्क्वा मिस वर्ल्ड 2021 बनी है। तो जानते रहिएगा जो कैरोलिना बिलास्क्वा मिस वर्ल्ड 2021 जो बनी है, ये है पोलैंड की। और पोलैंड देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 22 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। तो जानते रहिएगा साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार जो विजेता का नाम है वो है प्रोफेसर नारायण प्रधान। और प्रोफेसर नारायण प्रधान देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में 31वें जीडी बिरला पुरस्कार विजेता जो है वो है प्रोफेसर नारायण प्रधान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आया है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया। तो जानते रहिएगा 75वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड जिसका नाम क्या है, बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना जो जिसे चुना गया है वो है द पावर ऑफ द डॉग। और द पावर ऑफ द डॉग देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, इसलिए हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 24 हमारा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने महिला दिवस पर सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो जानते रहिएगा जिस राज्य सरकार ने महिला दिवस पर सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है, इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है, वो है हरियाणा सरकार। और हरियाणा देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, इसलिए हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 25 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुनी गई 12 महिला व ट्रांसजेंडर में कौन पड़ोसी देश से हैं। अब देखिए फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुनी गई 12 महिला व ट्रांसजेंडर में कौन पड़ोसी देशों से हैं। तो कौन है, देखिए ऑप्शन में है भूमिका श्रेष्ठ, ऑप्शन बी में देखिए है रिजवाना हसन, ऑप्शन सी में है ई जिंगार मांग, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो जानते रहिएगा वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुनी गई जो 12 महिलाएं वह ट्रांसजेंडर हैं वो ये तीनों ही आती हैं, ये तीनों ही लोग आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। इनमें तीनों ही हैं, भूमिका श्रेष्ठ भी हैं, रिजवाना हसन भी हैं और ए थिंजार मांग भी हैं। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 26 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रथम भारतीय को प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। तो जानते रहिएगा जो प्रथम भारतीय हैं जिनको प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है वो हैं दीपक धर। और दीपक धर देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह प्रथम भारतीय जिनको प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है उनका नाम क्या है, दीपक धर। फिर देखिए आ जाएंगे 27 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन, देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन कि किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 मिला है। तो जानते रहिएगा वो भारतीय गणितज्ञ जिनको रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 मिला है वो हैं नीना गुप्ता। और नीना गुप्ता देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम क्या है, नीना गुप्ता जी को रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 का पुरस्कार मिला है, इतना याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 28 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉलीवुड गानों पर लीप सिंगिंग वीडियो के लिए प्रसिद्ध इंस्टाग्राम स्टार किली पॉल को भारतीय उच्चायोग ने सम्मानित किया, वह किस देश के रहने वाले हैं।
तो जानते रहिए, बहुत ही फेमस इंसान है। आप कभी भी कीली पॉल अगर आप डालते हैं यूट्यूब पे तो आपको इनके वीडियोस मिल जाएंगी। वो जो इंडियन सॉन्ग पे, इनको इंडियन लैंग्वेज नहीं पता, हिंदी नहीं पता है उनको, बट हिंदी के गानों को लिपसिंग ऐसे करते हैं मानो वो गा रहे हों, ऐसा वो शो करते हैं। खैर देखिएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉलीवुड के गानों पर लीप सिंगिंग वीडियो के लिए प्रसिद्ध इंस्टाग्राम स्टार कीली पॉल, इनका नाम क्या है, कीली पॉल जो है को भारतीय उच्चायोग ने सम्मानित किया है, उनको बुला के सम्मानित किया गया है इस काम के लिए उनके। तो कह रहे हैं वो किस देश के रहने वाले हैं, तो जानते रहिएगा कीली पॉल जो हैं ये रहने वाले हैं तंजानिया के, और तंजानिया देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 29 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में यहाँ बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसे चुना गया है, तो जानते रहिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस, फीमेल एक्ट्रेस के लिए जो जिसे चुना गया है वो हैं कृति सेनन। और कृति सेनन देखिए कहाँ है, कृति सेनन आए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पे, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कृति सेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है, और किसके लिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इनको चुना गया है। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर के लिए किसे चुना गया। देखिए इससे पहले बेस्ट एक्ट्रेस की बात की गई थी फीमेल की, अब यहाँ बेस्ट एक्टर की बात की जा रही मेल की, तो बेस्ट एक्टर के लिए किसको चुना गया है, तो जानते रहिए बेस्ट एक्टर के लिए जो चुना गया है वो चुना गया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आए हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है रणवीर सिंह को, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाती है तो कौन है, कृति सेनन है, याद रखना है आपको। फिर देखिए आ जाएंगे 31 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, और अब कह रहे हैं कि फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो जानते रहे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो जिस फिल्म को मिला है उस फिल्म का नाम है पुष्पा। पुष्पा आपने देखी भी होगी, तो यहाँ पे ये पुष्पा जो हो गया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में जिसको मिला है वो कौन सी मूवी है, पुष्पा मूवी है, इतना याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 32 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NNHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में किस मूवी ने प्रथम पुरस्कार जीता है, तो जानते रहिएगा NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में जिस मूवी ने प्रथम या पुरस्कार जो जीता है वो मूवी है स्ट्रीट स्टूडेंट्स की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में जिस मूवी ने प्रथम पुरस्कार जीता है उसका नाम क्या है, स्ट्रीट स्टूडेंट्स। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 33 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता का नाम बताइए, तो जानते रहिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता का नाम जो है वो है दया प्रकाश सिन्हा, और दया प्रकाश सिन्हा देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता जो है वो दया प्रकाश सिन्हा है, ये याद रखिएगा। फिर क्या आ जाएंगे 34 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है। देखिए इससे पहले बोला गया था हिंदी भाषा के लिए, अब बोला जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है, तो जानते रहिएगा अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के जो विजेता हैं वो विजेता हैं ममिता गोखले, और नमिता गोखले देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता जो हैं वो नमिता गोखले हैं, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 35 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है, तो देखिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा यहाँ देखिएगा इससे पहले क्या बोला गया था कि हिंदी, देखिए दोनों दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एक बार फिर से पढ़ लें। देखिए यहाँ बोला गया है कि
हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो यह है दया प्रकाश सिन्हा जी। अब देखिए फिर से हिंदी की बात की गई है, अब यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार, यहाँ युवा शब्द जुड़ गया है तो ये आपको याद रखना है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो जानते हैं युवा पुरस्कार के जो विजेता हैं वो हैं हिमांशु वाजपेयी, और हिमांशु वाजपेयी देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि और हमारा ये आज का में भी लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, देखिए इसमें भी युवा शब्द जुड़ गया है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन था अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार पूछा गया था, अब इसमें कह रहा है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2000 की विजेता कौन है? तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 के जो विजेता हैं वो हैं मेघा मजुमदार, और मेघा मजुमदार देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? मेघा मजूमदार। तो मे भी यहां आपको सारे जो भी यहां पे हमने क्वेश्चन यहां पे 36 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किए वो सारी चीज क्लियर हो रही होंगी, अगर सारी चीज क्लियर हो गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।